तो अभी हम लोगों ने रेबिट के हाउस में ना मट्टी डाल दी है और रेबिट भी आके इंतजार में है कि कब ये बराबर हो जाए कि ये अपना घर बना पाए। तो अभी हम लोग मट्टी डाल दिए, मट्टी डालने के बाद ना इस पर थोड़ा पानी से ना अंदर में पानी डाल देंगे जिससे मट्टी बैठ जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ढेला ढेला, देखिए घर बनाना चालू भी कर दिया। अरे बैठ जाने दो मट्टी, तब आराम से बनाना, अभी पूरा तेजी में घर बनाएगा। जब ये बैठ जाएगा ना तो बहुत तेजी में ही घर बनाएगा। उसके बाद हम लोग इसके लिए एक, ये तो मैदिन है, इसके लिए नर लेकर आएंगे, जो इसका साथी रहेगा वो लेकर आएंगे। घर की वजह से ना हम कोई भी परिंदे कोई भी पंछी कुछ भी नहीं लेकर आ पा रहे, अभी तो रेबिट का बन जाएगा तो इसका एक साथी लेकर आ जाएंगे हम लोग बहुत जल्दी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो कल हमारी कबूतरी ने एक अंडा दिया था और आज देखते हैं कौन सा बैठा हुआ है। तो फिर आज इसमें नर ही बैठा हुआ है अंडे पे, और हमारी कबूतरी किधर में है? ओ भाई ये कैसा अंडा है, रुको रुको बेटा, इसमें एक अंडा है। ये भाई ये तो बड़ा साइज में और सफेद भी है, मुझे लगता है फिर से मुर्गी ही का अंडा है, क्योंकि ये सब तो छोटा छोटा घर है, इसी में थोड़ा बड़ा घर है, इसमें मुर्गी घुस कर ही अंडा दी होगी। अब मुर्गियों से हम कैसे छुटकारा पाए, उन लोग को हटा भी नहीं सकते हैं, और वो लोग क्या हुआ बेट बोलो, क्या उसमें अंडा दिया उधर, छोड़ो जाने दो, मुर्गी उसमें चल ही जा रही है। अभी तो कबूतर ने अंडा दे चुका है, अगर उसमें घर में जाएगी तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अभी रेबिट का घर तो अभी रेडी हो रहा है, इसके बाद अभी हम लोग फिर मुर्गी का भी तुरंत बनाने का कोशिश करेंगे जिससे जल्दी बन जाए उनका भी घर। बात ये है ना दोस्तों, ठंड भी बहुत ज्यादा है और इधर ना हर तरफ कुहासा हो गया है, सुबह से ना मट्टी डाल रहे थे तब जाके अभी इतना भरा हुआ है, और पिताजी इसमें बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। क्या बेटा जी घर में, अभी हमारा जो मोंकी है ना, मोंकी इधर में कूद रहा है। क्या क्या हुआ, जब भी इसके पास आते हैं ना बिल्कुल सुस्त सा हो जाता है, देखने लगता है, हाथ पकड़ के खींच रहा है, देख रहे, ए क्या हुआ मोंकी, ओए मोंकी, ए नहीं 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 नहीं, इस टायर पे चढ़ के और इसी 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 इसे कूदता रहता है। क्या हो गया क्या हो गया, देखो तो उधर क्या हो गया। अरे भाई जो हमारी मुर्गी का बच्चा था ना जिसको चोट लगा हुआ था, इसका देखते हैं चोट कैसा है, अभी पूरा टांग सूज गया है। तो इसको जो भी मुर्गी आ रही है ना वही इसको मारने लग जा रही है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ है, क्या हो गया, हटो हटो, क्या हुआ, क्या लग गया, दिखाओ तो दिखाओ तो, ओ छिया लग गया, जाओ 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 पोछ लो पोछ लो पोछ लो। अभी मुर्गी का पोप लग गया ना, इस वजह से रोने लगा, उसको लगा क्या लग गया। और अभी हम लोगों ने ना अपना जो सफेद वाला मुर्गा था ना उसको बांध दिए इधर में, बांध दिए और ये फंसा लिया है, इधर से निकाल देते हैं इसको। चलो चलो निकल जाओ, कैसा फंसा लिया भाई, ए, 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 ए। और इसको दे दिए इधर में दाना, अपना ये इधर में खाता रहेगा, और इसके वजह से ना हमारा जो कड़कनाथ मुर्गा है अभी आजादी से घूम रहा है, नहीं तो उसके डर से ना वो भागा फिरता था, तो अभी ये बिल्कुल आजादी से घूम रहा है। क्या हो गया, इसको भी टांग में कुछ लग रहा है क्या, नहीं ठीक ठाक है। हमारी लाल वाली मुर्गी ने अंडा तो दिया, और अभी हमारी कड़कनाथ जो मुर्गी है वो अंडा नहीं दे रही है, हर बार आकर ना इसमें देती थी, हम लोग रोज आके इसमें चेक करते हैं पर अंडा मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों। कितने अंडे देती है, आप लोग कमेंट अगर कोई रखा हो भाई तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर ये कहीं और जगह दे ही नहीं सकती, हर जगह तो पैक है, हम हर जगह चेक कर लिए कहीं पे भी इसने अंडा नहीं दिया है। तो अभी हमारा जो रेबिट था उधर घर बन के देख कर अभी आके यहाँ पे खाना खा रहा है। क्या क्या हुआ, अरे खाने दो बेटा, काटी
मार भी रहा है और बोल रहा है काटी काटी काटी, मतलब काटेगा और उसको मार भी रहा है मार भी रहा है और बोल रहे काटेगा। और हमारा जो लक्का कबूतर है उसको देखते हैं क्या स्थिति में। और पिताजी ने लाल वाले को भी अंदर डाल दिए क्योंकि इन लोगों का ना जोड़ा भी आया नहीं है। जब इन लोग का जोड़ा आ जाएगा तब हम लोग इन लोग को रखेंगे इनके घर में। हटो बेटा देखने दो हटो हटो। तो इसको निकाल के अभी देखते हैं क्या स्थिति है इसका। अभी इसका जख्म धीरे धीरे भर रहा है, नहीं तो पूरा खून ही खून हो गया था अभी। पर इधर भी अभी खून है ही, इधर लगा हुआ है खून। धीरे धीरे इसका भी ठीक हो जाएगा जब इसमें अकेला रहेगा, बाहर रहेगा ना। तो इसको मारने लगते हैं कबूतर भी और हमारी मुर्गियां भी। तो कबूतर में मारता हमारा काला वाला और अभी हमारी कबूतरी उड़ के लगता है चली गई है। कबूतरी आके इसमें बैठी है और कबूतर अंडे पे बैठा है, इसमें कबूतरी उसमें कबूतर। और हमारा जो अंडा मुर्गी ने दिया था इसको ले जाके अभी रख देते हैं। रखने वाला भी बना लेंगे, इसी में रहेगा अंडा, जो कि जब हमारी मुर्गी कुड़क होगी तब हम इन अंडों को उस पर बैठाएंगे और इसमें से निकलेंगे बच्चे। जैसे कि अभी हमारे प्यारे प्यारे जो चूजे हैं उसकी माँ लेकर बैठी हुई है। इधर में हमारे सभी चूजे हैं, खा पी के ना बिल्कुल टंच से हैं। इनमें से तो काले काले या लाल लाल बच्चे निकलेंगे क्योंकि ये तो सफेद मुर्गी ने अंडे नहीं दिए हैं। वो हमारी सफेद मुर्गी है जो अंडे देती थी, उसीलिए उसके बच्चे सफेद हैं। और उसका मुर्गा भी जो है जिसको हमने बांध के रखे वो भी सफेदी था। तो अभी तो हमारे पास कड़कनाथ मुर्गा आ गया और लाल वाली मुर्गी भी आ गई है। तो हमारे पास काले ही बच्चे निकलेंगे और लाल ले जाके हम लोग दे देते हैं इसको घर पे अंडे को रखने के लिए। अभी इधर में ना हर तरफ ना कुहासा कुहासा फोक फोक सा है, देख रहे हैं उधर कुछ भी नहीं दिख रहा, हर तरफ फोगी फोग है। और हमारी हिरनी है ना वो अंदर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी थी, इसलिए मम्मी ने ना इसको निकाल के इधर में बांध दिए। इसके लिए ना पूरा ये बोरी ओरी दे रखे हैं कि इसको ठंडा ना लगे। क्या हुआ, इधर इसको दे रखे हैं खाने का और इसका फीड इधर में है जो कि इसके अंदर चोकर है और भूसा है। क्या खा रहे हो, आराम से खाओ। अभी जब भी आते ना तो इसको लगता है हम लोग रोटी लेकर आए हैं, मुंह बांधने लगती है। क्या है, अभी रोटी वोटी नहीं है, आराम से इसी में खाओ। देखते हैं पिताजी ने रेबिट का घर पीट के बना रहे थे, अभी कितना दूर में बना हुआ है। तो अभी पीट करना, इसको पूरा मिट्टी को बराबर कर दिए। तो इसमें पानी भी डालेंगे क्या है? तो अभी हम लोग लेकर आ जाते हैं इसके लिए पानी, क्योंकि पानी डालेंगे ना ऊपर हल्का मिट्टी है ना, जब भी वो खोदेगा नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए जब पानी डाल देंगे थोड़ा मिट्टी बैठ जाएगा ना, तो खोदेगा तो आराम से उसका घर बन जाएगा। तो इसके लिए मुझे लेकर आना होगा पानी। तो देखते हैं, पानी हम लोग बाल्टी में भर रखे थे, इधर टोटी में पानी है, इसी को लेके चल चलते हैं। तो इसमें है भरा हुआ पानी, तो इसी को ले जाते हैं चलो। तो ये पानी हम लोग उसके अंदर डाल देंगे जिससे कि वो मट्टी बैठ जाएगा। क्या हुआ, हटो 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 हटो, पानी आ गया, इस पे रख देते हैं। ला के रख दिए पानी, पिताजी पानी डाल दे रहे हैं जिससे कि मट्टी बैठ जाए इसमें। अब की बार मिट्टी लेकर आएंगे ना तो इस साइड साइड से जो भी पैक करना है ना इसको भर देंगे। भर देने के बाद हम लोग इसको ना थोड़ा सा रंग कर देंगे। कबूतर का घर रंगे थे ना, उसके बाद हम लोगों ने इसका छोटा जो घर किए हैं ये रंगाई नहीं हुआ है। तो एक बार ही पेंट लेकर आएंगे और सबको एक साथ से ही रंग देंगे। अभी इसमें पानी डाल के ना बराबर कर दिए हैं जिसके वजह से अभी ये मिट्टी बैठ जाएगा, तब हम लोग इस पे खरगोश को रखेंगे और अपना घर बना लेगा। वैसे भी वो आएगा ना तो इस पे चढ़ के वो खोदना चालू कर ही देगा, पर अभी गीला है ना वो भी फिर हट जाएगा। जब सूख जाएगा तब इस पे अपना वो घर बना लेगा और साइड साइड से हम भी इसको मिट्टी भर देंगे, तब हो जाएगा उसको अच्छा सा। क्या हो गया है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, वीडियो बनाओगे? तो बोलो क्या बोलोगे। हमारी बेटी बोल रही है हम भी बोलेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय। वो में चलो ठीक है।